नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मिट्टी समझकर सोना मत छोड़ देना, जो आपके हाथ इन तीन दिनों में लगने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले महीने के शुरुआत के ये तीन दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें तो मोटा माल आपके हाथ लगेगा, लेकिन आपको अकेले देखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईश्वर ने आपके लिए अपने खजाने का पिटारा आप खोल दिया है और आपके जीवन में अब धन प्राप्ति की आपको होने वाली है। यूं कहें तो दोस्तों, आपकी किस्मत में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि किस्मत हो तो ऐसी, वरना किस्मत हो ही ना। याद रखिए दोस्तों, स्वार्थ बड़ा बलवान होता है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है तो उसके सबसे अच्छे अपने मित्र ही उससे ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं। इसलिए अब जो आपके हाथ बड़ा माल लगने वाला है, उसके बारे में आप किसी को ना ही बताएं तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, और इसे आप नजरअंदाज करने की गलती तो ना करें। कई बार आपके सामने ऐसी खास जानकारी आती है, ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज करने की गलती करते हैं और आपके किस्मत का धन आपका दुश्मन यानी कि कोई और ही ले जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, भविष्यवाणी की बात मानकर जीवन में होने वाली खुशी का बातों को विश्वास करके आप अपनी जिंदगी में दोस्तों अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ये बड़े चमत्कार हैं वो केवल और केवल आप ही के लिए हैं। याद रखिएगा, अगर ये बात झूठी निकली तो दोस्तों आपको बता दें कि हम आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बता दें कि भगवान ने अगर ऐसे मौके दिए हैं तो इस मौके का फायदा आप अवश्य उठाएं। लेकिन दोस्तों, बता दें आपको कुछ पांच बातें जिन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे, इसमें सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो जीवन में आपको खुशियों का लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। और दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके जीवन पे, आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी भगवान की कृपा बरसती रहे। देखिए दोस्तों, याद रखें कि आप अपने जीवन में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका भुगतान दोस्तों आपके परिवार को देना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको ऐसी तीन सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन आपके लिए लेकर आने वाली है। इसलिए दोस्तों, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आपकी व्यवहारिक कुछ खास सावधानियों के बारे में। संतुलित दिनचर्या बनाकर रखें। जिन सवालों का जवाब आप अब तक ढूंढ नहीं पाए थे, वे आप लोगों को अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की मदद से हासिल होने वाले हैं। दोस्तों, हर काम को आप अपने ऊपर करने की कोशिश करें। डेडिकेशन से आप लोगों की हर समस्या का हल होगा। खुद को नकारात्मक ना बनाएं। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय कुछ चिड़चिड़ापन आप लोगों को हो सकता है। करियर में दोस्तों, लोगों का जो आपको सुझाव मिल रहा है उस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपके संपर्क सूत्रों और अधिक मजबूत होंगे, इस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। जीवन प्राप्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपकी सफलता को बढ़ा देगा। बच्चों के साथ में दोस्तों, परिणाम एवं थोड़े संतुलित आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है, जिससे अन्य गतिविधियों पर भी आप लोगों का मन लगा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई भी बात यदि आपके मुँह से निकल सकती है तो दोस्तों उसको जरा ध्यान से निकालिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी और को जिंदगी भर का दुख भी दे सकती है। धैर्य और संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है। बिजनेस में सावधानी रखने से आपकी समस्या काफी हद तक कम होगी। शेयर्स जैसी दोस्तों गलतफहमियों की वजह से आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। नौकरी में माहौल और परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहने वाली हैं। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, गलत फहमियों की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। जोखिम भरे कार्यों से जरा थोड़ा दूर रहे, वाहन आप लोगों को ध्यान से चलाना चाहिए। स्वभाव के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें,
इससे दोस्तों आपके जीवन में कुछ खास बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा और ये कोशिश आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए काफी हद तक प्रेरणा प्रदान करेगी। संतान के साथ में जो भी अनबन चल रही है उसमें भी आप लोगों को काफी हद तक सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। आपको अपने संगत सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग आपके साथ में हैं वे केवल आपका अच्छा सोचते हैं, ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा के लिए आप लोगों को तुच्छ प्रयत्न करने पड़ सकते हैं, जिस कारण से आप लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उल्टी गंगा बहने वाली स्थिति चल रही है, इसलिए आपको बता दें कि ज़्यादातर समय आप लोग वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर ही बिताएं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय सकारात्मक स्थितियां आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तनाव और चिंता से दूर रखेंगी। पारिवारिक दोस्तों किसी सदस्य को लेकर के चिंता हो सकती है। व्यापार में गति लाने के लिए आप लोगों को अनुकूल व्यवहार रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दूसरों के साथ में नरमी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपको अपनों के साथ में काफ़ी खुशियाँ रहते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वैवाहिक क्षेत्र में। दोस्तों आपको बता दें, जीवन सुखमय चल रहा है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों व्यावसायिक जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव होंगे। ऐसा होता है कि कई बार आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ अच्छा करें ताकि दो पैसे आपके पास आए, लेकिन जब इंसान के पास अच्छा खासा काम होता है तो उस काम को करते करते वह बोर हो जाता है कि मुझे छुट्टी कब मिलेगी। तो ज़िंदगी में यही सोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। हमारा सभी से सभी आग्रह है कि आपको अपने काम से भागना नहीं है। यदि सब कुछ अच्छा खासा काम होते हुए भी यदि आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं, आलस से समय सोए रहते हैं, छुट्टी की काम न रखते हैं और अपने काम से भागते हैं, तो दोस्तों संभावना है कि आपकी नौकरी हाथ से जा सकती है। और ज़िंदगी में दोस्तों पहला कांड ये हो सकता है। सबको नतीजा आपकी लापरवाही का है, सब कुछ नतीजा है आपकी ही दोस्तों कहीं ना कहीं गलती से। इसीलिए सावधान हो जाइए और समय रहते आप इस चीज़ को अपनाइए, क्योंकि जो आपके पास काम है बहुत सारे लोगों का तो वही सपना है। दूसरा कांड कहां पर होने वाला है वो भी जानने वाली बात है। तो प्यार में धोखा तो मिलता रहता है, लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा विषय है। यदि आपने किसी को आँख मूंद कर भरोसा किया था, अपना एक एक राज किसी व्यक्ति को यदि बताया था, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है और आपका वो राज किसी को बता सकता है। कई बार ऐसी गोपनीय जानकारी बाहर आ जाती है तो हमारी इच्छा भी खराब हो जाती है। या फिर आप किसी को अपना राज ना बनाएं, और अगर आप बता भी रहे हैं तो अपनी जवाबदारी का भी बताएं कि दूसरा व्यक्ति भविष्य के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कांड है जो दोस्तों वह चोरी चकारी का है। संभावना तो यही नज़र आ रही है दोस्तों कि जब आप घर पर ना हो, कोई अज्ञात व्यक्ति आपके घर पर आए और हाथ साफ कर सकता है। इसलिए कहीं भी जाना हो तो दोस्तों कोई एक जना या फिर कोई एक व्यक्ति घर पर ज़रूर रखें, वरना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी छोटी मोटी गलती आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेलती रहेगी। तो दोस्तों ये तीन बड़े कांड थे जिससे आपको बचना होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।